देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन संस्कृति केंद्र गढ़ी केंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मानदेय और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों और उपस्थित गणमान्य को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में उत्तराखंड वफ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया, उत्तराखंड वफ बोर्ड ने कार्यक्रम में प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा, मार्च माह से शुरू होने जा रहे मदरसों के पहले सेशन का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा जाएगा। इनकी प्रेरणा से बच्चे सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। पहले तो सब लोगों को इस विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान वो ऐसा मुल्क है जो जिसमें हर तरह से अल्पसंख्यक पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जो यहाँ अल्पसंख्यक है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक है। और मैं ये कहता हूँ कि जो खूबसूरती उत्तरा हिंदुस्तान के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज उसका जीती जागती मिसाल इस कार्यक्रम में देखने के लिए मिली। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज कई सारी चीज़ों को यहाँ कहा है। हम लोगों ने भी प्रस्ताव रखा है जो